हैकिंग जो है अब एक रियलिटी बन चुकी है और हम सबको इससे बचना भी चाहिए और इसकी प्रिवेंशन के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं हूँ बिलाल और आज मैं आपको इन वीडियो में वो 6 डिफरेंट टेक्निक्स हैकिंग की सिखाऊंगा। बेसिकली मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स के नेम बता रहा हूँ, उनसे प्रिवेंशन का तरीका बता रहा हूँ और उनके ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं उस हैकिंग टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा जो सबसे कम यूज होती है, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि ज़्यादातर इसमें गैसिंग आ रही होती है, तो हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम गैस कर रहा होता है कि इस बंदे ने अपना क्या पासवर्ड लगाया होगा। आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा लोग सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बैंक अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि बैंक अकाउंट के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अगर आप इंसान की ज़िंदगी में देखें तो वो कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट पेट, व्हाट्स योर फेवरेट टीचर। तो जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इन पासवर्ड्स को इस तरह हासिल कर लेते हैं, वो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा, सबसे कम यूज होने वाली टेक्निक और सबसे कम हैकिंग जिस पे होती है वो यही टेक्निक है। दूसरी है सेशन हाईजैकिंग, ये ज़रा इससे ज़्यादा यूज होती है और ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है कि हैकर आपका सेशन हैक कर लेता है। फेसबुक अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन किया और अपना कंप्यूटर आप टर्न ऑफ करते हैं तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये आप ही का कंप्यूटर है, क्योंकि जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े। इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है कुकीज़ की। कुकीज़ बेसिकली कुछ फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डेटा, आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, और हैकर क्या करता है वो उन कुकीज़ को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रख लेता है, और जब उन कुकीज़ के थ्रू वो दोबारा अपना कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो आपका सेशन हाईजैक हो जाता है। इससे बचने का आसान तरीका ये है कि आप किसी भी किस्म का वायरस इंस्टॉल ना करें। अक्सर ऐसे वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि आपके जहाँ जहाँ आपके ब्राउजर्स के फोल्डर होते हैं उनमें कुकीज़ के फोल्डर में जाके उन कुकीज़ की फाइल को हैकर को मेल कर रहे होते हैं। तो इससे प्रिवेंशन का यही तरीका है कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, और विंडोज़ में स्पेशली जब आप किसी चीज़ को अलाउ करते हैं वो येस और नो आ जाता है पॉपअप बॉक्स, उस टाइम खास ख्याल रखें कि आप किस सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेक्निक यूज होती है उसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेसिकली आप यूज़र को इस तरह शो कर रहे होते हैं कि वो अपनी सही साइट पर लॉगिन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र है जो फेसबुक का यूज़र है, या एक यूज़र है जो गूगल का यूज़र है, तो आप उसे क्या करेंगे कि आप उसे एक ऐसी साइट सेंड करेंगे या उसे एक ऐसी साइट पर लॉगिन करवाएंगे जो दिखने में तो बिल्कुल फेसबुक जैसी होगी। उसके अंदर सारा डिज़ाइनिंग, उसकी सारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपने एंटर करनी है, वो सारा जो उसका पेज है वो फेसबुक की तरह होगा, लेकिन एक्चुअली वो फेसबुक नहीं होगी। आप अगर उसके URL यानी कि जो ऊपर लिंक होता है उस पर देखें तो वहाँ पर फेसबुक नहीं खुली होगी बल्कि कोई और लिंक खुला होगा। और ये टेक्निक देखने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है और ऐसे लगता है कि इसमें कोई भी बंदा नहीं फंसेगा, लेकिन ये वो टेक्निक है जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा हैकिंग हुई है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर यूज़र को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, और इसमें ज़्यादा कोई आपको टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल वेबसाइट बनानी पड़ती है, वेबसाइट भी पूरी नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ एक लॉगिन पेज बनाना पड़ता है जो कि उस वेबसाइट की तरह लगे जिसको आपने हैक करना है। हैकिंग की जो एक और टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है उसे कहते हैं स्निफिंग। अब स्निफिंग एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या किया जाता है, ये टेक्निक पहली बात तो ये है कि ये टेक्निक सोशल अकाउंट्स के लिए इतनी यूज़ नहीं होती, बल्कि ये आपके जो अगर आपने सुना हो कि बैंक अकाउंट हैक हो गया या ATM हैक हो गए हैं तो उनमें ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें एक कंप्यूटर होता है और एक सर्वर होता है, ATM मशीन में भी कंप्यूटर लगा होता है। इस टेक्निक में किया क्या जाता है कि कंप्यूटर और उसके सर्वर के दरमियान में जो वायर होती है उस वायर के ऊपर एक डिवाइस लगा दी जाती है, और जो डेटा कंप्यूटर से सर्वर और सर्वर से कंप्यूटर में जा रहा होता है उस डेटा वो उस डिवाइस से होकर गुजरता है, और वो डिवाइस क्या करती है वो डेटा कॉपी कर लेती है। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, अगर आपने अपनी व्हाट्सएप यूज़ की हो तो उसके ऊपर भी आपको बता रहा होता है कि आप एंड टू एंड इनक्रिप्शन से सेफ हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जिस जगह का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो बंदा दरमियान में स्निफर लगा देता है तो आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि इंटरनेट तो आप उसी बंदे का यूज़ कर रहे होंगे, उसकी डिवाइस से ही होकर डेटा सारा गुजरना है। लेकिन जब इंक्रिप्शन हो जाएगी तो अगर वो डेटा को कलेक्ट कर भी लेता है तब भी उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होगा उस यूज़र के लिए, क्योंकि जो डेटा होगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और उसे वो खोल नहीं सकेगा, उसको की के बगैर वो अनलॉक नहीं कर सकेगा। एक और जो कॉमनली यूज टेक्निक है वो है की लॉगिंग की टेक्निक।
की लॉगर एक ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो कि आपके की स्ट्रोक्स को उठाती है, मतलब आप अगर कोई भी कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप वैसे भी बटन दबा रहे हैं, तो की लॉगर क्या कर रहा होता है कि वो जो कीज भी दब रही होती हैं उन कीज का एक रिकॉर्ड रख रहा होता है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, और आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको सेट किया हुआ है 1 month 2 month, तो वो ऑटोमेटिकली उसको किसी ईमेल पे मैसेज कर रहा होता है। और की लॉगर्स नॉर्मली क्या होता है कि दूसरी डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनके साथ की लॉगर आ जाते हैं। अच्छा, एक और टेक्निक जो कि की लॉगर को या किसी दूसरी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है, उसे ट्रोजन कहते हैं। आपने अगर वायरसेस देखे हो अपने कंप्यूटर में, कभी एंटीवायरस रन किया हो, तो उसमें अक्सर वायरसेस ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जो बेसिकली अपने आप को किसी अच्छी सॉफ्टवेयर की तरह शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को शो कर रहा होगा कि मैं एक मीडिया प्लेयर हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो एक वायरस होगा जो कि किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज हो रहा होगा। तो ट्रोजन हॉर्स से बचने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप किसी भी ऐसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें जिसके वेंडर आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। सो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी फ़ायदा हुआ है, नॉलेज में इजाफा हुआ है यानी कि इंक्रीज हुई है, तो वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।